बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब के? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज व ईमान में रखे। तो ये मैंने सोना आटा लिया है, ये अलफता मार्केट है, यहाँ से आटा मिल रहा है और बहुत अच्छा आटा है। ये मैं ट्रक पर लेकर ले जा रहा हूँ बाइक स्टैंड तक। तो बाइक स्टैंड तक मैं इसको खड़ा कर दूँगा, फिर वहाँ से इनको लड़के ले जाएंगे अलफता स्टोर के। 860 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो ये देखिए, मैंने स्टैंड पे बाइक खड़ी की हुई है, 20 रुपीज़ में हेल इसका लेते हैं। हेलमेट मैंने साथ लगाया था। ये देखिए कि मैंने उसे बाइक पर ही आटा रख दिया, यानी कि मुझे उठा के लाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं घर पहुंच गया हूं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बिल है, ये कैश रिसीद, उसने स्टैंप भी की हुई है कैश रिसीट की। ये आप देख सकते हैं इस बिल में 860 रुपीज़ हैं। तो ये अलफता मार्केट का बिल है, ये आप देखें 860 रुपीज़। सेल टैक्स भी है, तो यानी कि ये सब कुछ 860 में ही इंक्लूड है। मैं आपको फिर दिखाऊंगा। ये आप देखें, आटा 20 किलोग्राम का बेसिक जो है 860 रुपीज़ का मैंने परचेज़ किया है। कि मेरी दाढ़ में दर्द है, 2 हफ्ते हो गए हैं, तो उसमें काफ़ी तकलीफ़ है मेरे दांत में। तो डॉक्टर ने फिलिंग भी कर दी थी, लेकिन मैं ऐसे कैविटी में वो चला गया, कैविटी चली गई हुई है जड़ों तक। तो अब दांत निकलवाने के अलावा कोई हल नहीं है। 1 हफ्ते से ये दवाई खा रहा हूँ मैं। इस दवाई का नाम है क्या है, डेलेसिन सी 300 C, और ये है सेनीफ्लेक्स। सेनीफ्लेक्स 550 मिलीग्राम की है। तो दर्द अभी तक उधर ही बरकरार है। फिर मैंने एक्सरे करवाए, दांतों के एक्सरे करवाएं, तो एक्सरे से पता चल जाएगा कि ये आपकी दाढ़ जो है दर्द हो रही, पेन हो रही है, ये इन्फेक्शन हुआ हुआ है। अगर तो इन्फेक्शन होता ये कोर्स से 1 हफ्ते में आराम आ जाता आपको। ये मुझे लग रहा है कि ये कैविटी जड़ों तक चली गई हुई है। ये साइज का एक्सरे होता है, बस दुआ करें कि मेरा कोई ना कोई हल हो जाए और दर्द से निजात मिल जाए मुझे। बहुत अपसेट हूँ मैं।